महाकारुणिक तथागत बुद्ध कहते हैं, जो व्यक्ति धम्म देशना सुनते हैं उसके जीवन में ये पांच मंगल तो होना ही है, कभी न सुना। स्वागत है आप सभी का, आप लोग देख रहे हैं बुद्धास टीचिंग चैनल और हम यहाँ महाकारुणिक तथागत बुद्ध और उनके शिक्षाओं के विषय में चर्चा करते हैं। समन्ता चक्रवालेषु अत्रा गच्छन्तु देवता, सतमं मुनिराजस्य सुनन्तु सकमोक्खदं, धम्मश्रवणकालो अयं भदन्ता, धम्मश्रवणकालो अयं भदन्ता, धम्मश्रवणकालो अयं भदन्ता। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स, नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स, नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। महाकारुणिक तथागत भगवान बुद्ध को त्रिवार वंदना। महाकारुणिक तथागत बुद्ध द्वारा देशित सुआख्या धम्म को त्रिवार वंदना। महाकारुणिक तथागत बुद्ध के आर्य श्रावक संघ को त्रिवार वंदना। परम पूजनीय बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, आज के विशेष धम्म देशना कार्यक्रम में उपस्थित पूजनीय भिखवानी बुद्ध थेरो, सम्राट अशोक बुद्ध विहार के संपूर्ण श्रद्धा संपन्न बुद्धि संपन्न उपासक उपासिकाएं। महाकारुणिक तथागत बुद्ध कहते हैं, काले न धम्म श्रवणं ये तं मंगलमुत्तमं, समय समय पर जो धम्म देशना सुनते हैं ये मंगल है। कालेन धम्म साक्षात् ये तं मंगलमुत्तमं, समय समय पर धम्म की चर्चा करना ये मंगल है। मंगल बोले तो अभी भी सुख शांति देने वाला, बीच में भी सुख शांति देने वाला, अंत में भी सुख शांति देने वाला, जितने भी दुर्गति जाने वाला रास्ता है उसको काटने वाला, जितने भी सुगति जाने वाला रास्ता है उसको खोलने वाला, ऐसा मंगल तथागत बुद्ध बताते हैं। विशेषतः महाकारुणिक तथागत बुद्ध के सारे उपदेशों को संग्रहित किया हुआ ग्रंथ है त्रिपिटक ग्रंथ। त्रिपिटक में विशेषतः शुद्ध पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक है। शुद्ध पिटक में भी प्रमुख पांच निकाय ग्रंथ है, देह निकाय, मध्यम निकाय, संयुक्त निकाय, अंगुत्तर निकाय, खुदक निकाय। इसमें से भी अंगुत्तर निकाय ग्रंथ में तथागत बुद्ध कहते हैं, धम्म देशना सुनने से विशेष तो पांच फायदाएं होते हैं। कितने फायदाएं? पांच फायदाएं, वो हमें मालूम होना चाहिए। मालूम हुआ तो बार 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 ऐसे धम्म देशना सुनने का मन होगा। तो तथागत बुद्ध कहते हैं, असुतं सुनाति सुतं परियोदपेति कंखं वितरति दितिं उजुं करोति चित्तमस्स पसीदति। तथागत बुद्ध कहते हैं, असुतं सुनाति, धम्म देशना सुनने से कभी न सुना हुआ अच्छा अच्छा उपदेश सुनने को मिलता है, कभी न सुना हुआ बहुत ही लाभदायी, बहुत ही कल्याणकारी ऐसे उपदेश सुनने को मिलता है।
सुतं पर्योतपेति, बार बार धम्म देशना सुनने से हमें पाठ हो जाता है, कंठस्थ हो जाता है। अच्छा, पंचशील, हिंसा नहीं करना, चोरी नहीं करना, व्यभिचार नहीं करना, झूठ नहीं बोलना, नशा पदार्थ सेवन नहीं करना। चतुर्ब्रह्म विहार, मैत्री, करुणा, मुदिता, उपेक्षा। चार आर्य सत्य, दुख है, दुख का कारण तृष्णा है, दुख मुक्त निर्वाण है, निर्वाण पहुंचने का आर्य अष्टांगिक मार्ग है, मध्यम मार्ग है। ऐसे हर चीज हमें कंठस्थ हो जाता है बार बार धम्मदेशना सुनने से। कंखं वितरति, मन में अनेक तरह से शंका उपशंका आता है। कभी कभी कुछ करना हो तो ये करने से अच्छा होगा या वो करने से अच्छा होगा, ये करने से धम्म होगा या वो करने से धम्म होगा, अनेक तरह से संदेह उत्पन्न होता है, जो बार बार धम्म देशना सुनने से ऐसे शंका उपशंका भी सब समाप्त हो जाता है। धम्म यही है, अधम्म यही है, पाप यही है, धम्म यही है, स्पष्ट हो जाता है। फिर तथागत बुद्ध कहते हैं, दिथिंग उजुंग करोति, हमारे मन के, हमारे अंदर के जो मिथ्या धारणा वो खत्म हो जाता है। मिथ्या धारणा मतलब गलत धारणा, गलत धारणा बोले तो बहुत उल्टा धारणा, अच्छे को भी बुरा समझना और बुरे को भी अच्छा समझना, ये देखने में कुछ बड़ी बात नहीं है पर बहुत भयानक है। जो व्यक्ति बिहार आते हैं, जो व्यक्ति धम्म देशना सुनते हैं, जो व्यक्ति पुण्य कार्य करते हैं और इसके बावजूद भी उसको लगा, मिथ्या धारणा से उसको लगा, कहीं मैं पाप तो नहीं कर रहा हूं, कहीं मैं गलत तो नहीं कर रहा हूं, कहीं मैं, हाँ, ऐसे मिथ्या धारणा आते ही अब देखना वो जितने मेहनत से वो दान पुण्य करता है वो दान पुण्य भी नहीं करेगा, जितने मेहनत से वो शील पालन करता है अभी शील पालन भी नहीं करेगा, जितने मेहनत से वो ध्यान भावना करता है वो भी नहीं करेगा, और बिहार आना तो कभी आएगा कभी नहीं आएगा, हाँ, ऐसे ही ढीला पड़ जाएगा। अगर पता चला कि ये पुण्य है, ये धम्म है, ये पुण्य धम्म करने से हमारा कल्याण होगा, हमारे जीवन में सुख शांति आएगा, अगर मैं गलत रास्ते पे जाऊंगा तो मुझे ही दुख भुगतना पड़ेगा, मुझे ही कष्ट भुगतना पड़ेगा, मेरे जीवन में अनेक अनेक तकलीफ आएगा, अगर ये स्पष्ट पता रहता तो वो पाप करेगा ही नहीं, करना भी पड़ा तो एकदम बच के कम से कम करेगा और पुण्य कार्य छोड़ेगा ही नहीं, एकदम इमरजेंसी रहा तो भी वो जितना हो सके उतना सहभागी होके उतना करके ही जाएगा। इसलिए ये मिथ्या धारणा भी धम्म देशना सुनने से हट जाता है। फिर तथागत बुद्ध कहते हैं, चित्तमसपसीदति, अच्छे जगहों पे श्रद्धा उत्पन्न होके मन प्रसन्न होता है, धम्मदेशना सुनने से मन आनंदित होता है, प्रफुल्लित होता है। आप लोगों को धम्मदेशना सुनने से आनंद होता है, प्रसन्न होता है, हाँ होता है, देखना जब जब आप लोग अच्छे से धम्मदेशना सुनेंगे और वो भी समझ के सुनेंगे तब जाके आप लोगों को थोड़ा अच्छा लगता है, नहीं तो आधा घंटा एक घंटा यहाँ बैठे बैठे रहना बोले तो संदेह है, घर में कौन कौन आया होगा, कितने दोस्तों के साथ वहाँ मिलने जाना होगा, कितना अच्छा अच्छा सीरीज मूवी न जाने क्या 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 होगा, वो सारा छोड़ के यहाँ बैठे हैं। अगर धम्म देशना समझ में नहीं आए तो बैठना बहुत मुश्किल है, अगर धम्म देशना समझ में आए तो उससे ज्यादा उसको बाकी कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि तथागत बुद्ध कहते हैं, सब रसं धम्म रसं जिनाते, सभी रस में धम्म रस जीतता है या श्रेष्ठ होता है। जितना टीवी देखने में मजा आता है ना, जितना स्टोरी कहानी पढ़ने में मजा आता है ना, जितना यहाँ वहां घूमने में मजा आता है ना, या जो आपको पसंद है वो करने में जितना मजा आता है ना, जिस दिन अच्छे से धम्म में श्रद्धा रख के एकाग्र होके धम्म देशना सुनेंगे वो धम्म का रस इतना बड़ा इतना महान रहेगा, बाकी रस तो उसके लिए छोटा मोटा रहेगा।
हाँ, इसलिए धम्म देशना श्रद्धा पूर्वक ध्यान पूर्वक सुना तो मन प्रसन्न होगा, अन्यथा मन प्रसन्न नहीं होता। हाँ, कभी हम यहाँ वहाँ बातें करने लगे या कभी ऐसे ध्यान से सुनते सुनते भी अपने ही दुनिया में खोने लगे, उसमें ही अनेक अनेक तर्कना करके करके बैठने लगे या इधर उधर ध्यान गया तो धम्म देशना तो छूट जाएगा, फिर क्या बोल रहे पता ही नहीं, फिर क्या होगा, फिर तो शांति से रहना भी मुश्किल हो जाता है। धम्म देशना तो समझ में नहीं आ रहे, फिर क्या करूं क्या करूं, छटपट छटपट होने लगता है। इसलिए धम्म देशना भी शांति से ध्यान पूर्वक सुनना चाहिए। तो ये महाकारुणिक तथागत बुद्ध कहते हैं जो व्यक्ति धम्म देशना सुनते हैं उसके जीवन में ये पांच मंगल तो होना ही है। कभी न सुना हुआ अच्छे धम्म देशना सुनने को मिलेगा, बार बार सुनने से कंठस्थ हो जाएगा, मन के शंका उपशंका निवारण हो जाएगा, मन के मिथ्या धारणा नष्ट हो जाएगा और अच्छे जगह पे श्रद्धा उत्पन्न होके मन प्रसन्न हो जाएगा। इसलिए तथागत बुद्ध कहते हैं धम्म देशना सुनना चाहिए। अभी धम्म देशना सुनना मंगल है, इसके बावजूद भी धम्म देशना सुनने का एक माहौल रहता है, एक माहौल एक जगह रहता है। कहीं रास्ते में चल रहे हैं और कोई दौड़ा दौड़ा, अरे भंती जी आप मिल गए, ओहो अच्छा हुआ, धम्म देशना सुनना मंगल है, थोड़ा सा धम्म देशना दीजिए ना, अभी चलते चलते धम्म देशना दूं क्या। हाँ, कहीं रास्ते में चाय पी रहे हैं चाय के टपरी में, या कहीं होटल में खाना खाने के लिए बैठे और वहीं उपासक आके भंते जी ओहो धम्म देशना सुनना मंगल है, थोड़ा सा धम्म देशना दीजिए ना, चाय पीते पीते धम्म देशना देना है, खाना खाते खाते धम्म देशना देना है, ऐसा है क्या? नहीं, एक माहौल रहता है। जब राजगृह में उपदिश परिव्राजक उपदिश परिव्राजक ये पंच भद्र वर्गीय मध्य सबसे छोटे असजित भिक्षु को देखता है, शांत रूप से जाते हुए देख के, अरे जो अमृत धम्म हम ढूंढ रहे ये भंते जी को पक्का मालूम है, अभी उनसे पूछूंगा करके डोरा डोरा ऐसे चिबर पकड़ के भंते जी बोला ना बताओ ना, ऐसा पूछा क्या? नहीं, जब तक भंते भिक्षाटन जाते रहे वो पीछे पीछे ही बैठा रहा, पीछे पीछे ही पड़ा रहा कि एक मौका आने दे फिर पूछूंगा करके। भंते जी पूरा भिक्षाटन गए, भिक्षा प्राप्त करने के बाद एक जगह बैठ के भोजन भी किए, भोजन के समय में बात करते करते मैं पूछूंगा ऐसा भी नहीं, भोजन पूरा समापन होने के बाद सब व्यवस्थित होने के बाद तब जाके पूछने जाते हैं, पंत जी आपको देख के ऐसा लगता है कि आपने अमृत धम्म प्राप्त किया है, क्या है धम्म? फिर ऐसे माहौल में वो असजी बनते वो उपदिश परिव्राजक को एक ही गाथा बोलते हैं, ए धम्मा हेतु पवव्वा ते संग हेतु तथागतो आह ते संचयो निरोधो एवं वादि महासमनो। सिर्फ एक गाथा बोलते हैं उपदिश परिव्राजक, पंते जी बस समझ लिया, बस समझ लिया। वो एक गाथा सुनते ही धर्म चक्षु प्राप्त करते हैं, श्रोतापति फल में प्राप्त करते हैं, पंते जी को नमस्कार करके भगवान बुद्ध कहाँ है वो पता करके तुरंत अपने दोस्त को सुनाते हैं, दोस्त ने भी कोलित परिव्राजक ने भी वो एक गाथा सुन के ही उसने भी श्रोतापति फल प्राप्त किया। फिर उनके 500 मित्रों को बताते है, आधा से ज्यादा पीछे पीछे आते है और भगवान बुद्ध के पास जाके भिक्षु बन के वो लोग भी दुख मुक्त होते हैं। वही उपदिश परिव्राजक भगवान बुद्ध के राइट हैंड समान सारे पुत्र बनते हैं और वो कोलित परिव्राजक भगवान बुद्ध के लेफ्ट हैंड समान अग्र श्रावक मौर्गलयन भिक्षु। मतलब धम्म देशना सुनने का भी एक माहौल रहता है, कहीं भी कैसे भी ऐसे सुनना वो बात करना ठीक नहीं है। धम्म देशना सुनते समय वो पीछे बोल के बैठ के पंते जी धम्म देशना दीजिए, अब चिल्ला चिल्ला भगवान बुद्ध ने कहा है ऐसा चिल्ला चिल्ला के धम्म देशना देना है क्या? वैसा भी नहीं,
और एकदम नजदीक आके भंती जी धम्म देशना बोले तो एकदम नजदीक भी अच्छा है क्या? नहीं है ना, बोलेंगे तो थूक भी जाएगा, है ना। तो ज्यादा दूरी भी नहीं, ज्यादा नजदीक भी नहीं, और पीछे से भंती जी धम्म देशना दीजिए ना करके पीछे बैठा तो ऐसा करके धम्म देशना देना है क्या? पीछे बैठ के भी नहीं, इधर उधर भी बैठ के नहीं, सामने बैठ के अच्छे से धम्म देशना सुनना चाहिए। धम्म देशना सुनने की भी जगह होना चाहिए, माहौल होना चाहिए, कहीं भी कैसे भी धम्म देशना नहीं देते। आप लोगों को पता है ना, खुजूतरा दासी श्यामावती महारानी के दासी जो हमेशा 8 स्वर्ण मुद्रा का फूल माला लेने के लिए सुमन माली के वहां जाते थे, मगर 4 स्वर्ण मुद्रा अपने जेब में और 4 स्वर्ण मुद्रा का ही वो फूल माला लेके महारानी को देते थे। हर दिन वैसा करते थे। एक दिन सुमन माली के वहां भगवान बुद्ध और प्रमुख भिक्खु संघ आए थे, तो वो खुजूतरा गई तो सुमन माली के कहते हैं थोड़ा सा रुकिए, भगवान बुद्ध आया है। हाँ ठीक है, वो रुकते हैं। भगवान बुद्ध भोजन के बाद जो धम्म देशना देते हैं वो खुजूतरा के कान में जाते हैं और कान में पड़ते, अरे भगवान बुद्ध ने मुझे जान लिया क्या, मुझे पहचान लिया क्या, मैं ऐसे चोर का काम करती हूँ तो भगवान बुद्ध ने मुझे जान तो नहीं लिया करके ध्यान पूर्वक सुनते 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 श्रोतापति फल प्राप्त किया। अभी श्रोतापति फल प्राप्त होने के बाद वो कभी पाप करेगा क्या, कभी वो चोरी करेगा क्या? तो उसने ठान लिया आज से मैं चोरी नहीं करूंगा। अभी चोरी नहीं करूंगा तो समस्या ये भी है ना, वो 8 स्वर्ण मुद्रा में 4 स्वर्ण मुद्रा का ही वो लेके जाते थे, जितना लेके जाते, अभी 8 स्वर्ण मुद्रा का लेंगे तो कितना आएगा? उससे दुगुना आएगा, और दुगुना आया तो वहां स्पष्टीकरण देना पड़ेगा ना, ये दुगुना कैसे? तो उसको बोलना पड़ेगा, झूठ भी नहीं बोल सकते, तो बोलना पड़ेगा कि मैं पहले ऐसे ऐसे चोरी करती थी, अभी चोरी नहीं करूंगा करके ऐसे लाए। और महारानी है, महारानी कुछ भी सजाएं दे सकते हैं ना, अरे ये इतने समय से ऐसे चोरी करते थे, चलो इसको आजीवन जेल में डाल दो, या इसको देश निकाला कर दो, या इसने चोरी किया मृत्यु दंड दो, कुछ भी सजाएं दे सकते थे। फिर भी वो खुजूतरा ने ठान लिया, चाहे महारानी मुझे जेल में डाले तो डाले, देश निकाला करे तो करे, मृत्यु दंड दे तो दे, या जो भी सजाएं दे मुझे मंजूर है, पर चोरी नहीं करूंगी। उसने वो डबल 8 स्वर्ण मुद्रा का फूल माला लेके महारानी के पास गई। महारानी ने भी वही पूछी, अरे क्या है आज इतना फूल माला कैसे? सुमन माली ने खुश होके दिया क्या? बोले तो नहीं नहीं, फिर कैसे? तो उसने भी सारी बात बताया, पहले मैं ऐसे चोरी करती थी, अभी बुद्ध के उपदेश सुन के मैंने चोरी करना छोड़ दिया, इसलिए इतना लाया। अभी महारानी सजा दे सकते थे ना, खुद के दासी और हर दिन 4 स्वर्ण मुद्रा, हर दिन वो चोरी करती थी तो गुस्सा तो आएगा, सजाएं तो देना ही है। फिर भी श्यामावती महारानी ने उसको सजाएं नहीं दी। उसके मन में लगा, ऐसे चोरी करने वाला दासी का भी मन परिवर्तन हुआ तो वो क्या उपदेश होगा, बुद्ध का क्या वो वाणी होगा, चलो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा पर मुझे वो उपदेश सुनाओ। अब देखो वो महारानी है, खुद के मालकिन है, हाँ, और चोरी पकड़ी गई है, फिर भी चलो माफ कर देता हूं, वो उपदेश सुनाओ। बोले तो सुनाना चाहिए ना, पटटटट सुनाना चाहिए, पर नहीं सुनाया। खुजतरा बोलती है, मैं धम्म देशना वो बुद्धवाणी तो सुनाऊंगी, पर उससे पहले मेरा कुछ शर्त है। क्या शर्त है? वो कहती है, पहले मुझे दासी से मुक्त करना पड़ेगा, दूसरा मुझे अच्छे से शुद्ध होना पड़ेगा, शुद्ध वस्त्र पहन के, फिर आप लोगों से भी ऊंची आसन में मुझे बैठना पड़ेगा। अरे महारानी से ऊंची आसन? तो वो बोली मुझे ऊंची आसन में। श्यामावती महारानी को इतना वो सुनने का मन हो रहा था, ठीक है सारा कबूल कर दिया, तुम दासी से भी मुक्त हो गया, तुम शुद्ध होके भी आओ, तुम्हारे लिए ऊंची आसन भी, सारा व्यवस्था किया। तब जाके खुजूतरा ने
बुद्ध वाणी उपदेश सुनाई और खुजुतरा में इतना तीक्ष्ण दिमाग था, बुद्ध ने जैसा उपदेश दिया अक्षर सब वैसा ही उपदेश दे सकते थे, वैसा ही बता सकते थे। और बुद्ध के उपदेश जैसा है वैसा ही बताया। तो श्यामावती महारानी प्रमुख 500 मित्र सहेलियां सारे के सारे लोगों ने भी श्रोता प्रतिफल प्राप्त किया, धर्म चक्षु अवबोध किया। मतलब तम देशना सुनने में इतना श्रद्धा होना चाहिए, इतना विश्वास होना चाहिए, कम से कम इतना विश्वास तो होना ही चाहिए कि हम बुद्धवाणी सुन रहे हैं, ये बुद्धवाणी सुनने से हमारा कल्याणी होगा, हानि कभी नहीं होगा, हमारा समय का सदुपयोगी होगा, टाइम वेस्ट नहीं होगा, फालतू में समय नहीं जाएगा। और ये धम्म देशना, ये बुद्धवाणी आज ही नहीं जीवन के अंतिम समय तक भी ये हमारे काम की होगी। तो ऐसा विश्वास रख के, ऐसा श्रद्धा रख के धम्म देशना सुनना चाहिए। अभी धम्म देशना कैसे सुनना चाहिए उसके विषय में एक कहानी बताता हूं, वो कहानी याद रहेगा और कैसे धम्म देशना सुनना है। वैसे हम भंते के साथ वो जगह पे धम्म परिसर में जाते तो ये कहानी बार बार बताते रहता हूँ, आप लोगों को पहली बार बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिए कि धम्म देशना कैसे सुनना चाहिए। एक समय एक भंते धम्म प्रचार प्रसार करते करते एक गांव में पहुँचते। जब वहाँ के उपासक को पता चला कि हमारे गांव में भंते आए हैं और उसको धम्म देशना सुनना बहुत पसंद है, वो भागा भंते के पास गया और कहते, भंते जी मुझे धम्म देशना सुनना है, मुझे धम्म देशना सुनाइए ना। तो भंते जी ने उसको देखा और कहते हैं, ठीक है मैं धम्म देशना सुनाता हूँ, पर मैं अभी अभी आया, मुझे प्यास लगा है, थोड़ा पानी लाके दो। वो कहते हैं, हाँ भंते जी मैं अभी लाके देता हूँ करके वो घर की तरफ भाग गया। और जाते जाते उसको लगा कि भंते जी को प्यास लगा है, मैं पानी क्यों, अच्छे से दही से बना हुआ छाछ, हाँ मही, हाँ वो छाछ लेके जाता हूँ ठंडा ठंडा। ऐसे करके एक बार एक बर्तन में वो छाछ लेके वो गया भंते के पास और भंते जी को, भंते जी ये लीजिए। भंते जी कहते हैं, मैं खुद के ही पात्र में लूंगा। ठीक है लेके आइए। तो भंते जी अंदर से एक पात्र लेके आते हैं, पात्र पता है ना, हाँ पिंड पात्र, वो पात्र लेके सामने रखते थे। अभी भंते अपने ही पात्र में लेना चाहते हैं तो ठीक है अभी वो पात्र में डालता हूँ करके, हाँ वो छाछ डालने के लिए जैसे हाथ उठाते हैं तो रुकना पड़ा। क्यों रुकना पड़ा, देखते हैं वो पात्र तो पहले से ही भरा हुआ था। अब भरे हुए पात्र में, भरे हुए वो बर्तन में वो छाछ डालेंगे तो क्या होगा, हाँ वो तो गिर जाएगा, कोई काम का नहीं रहेगा। तो उपासक कहते हैं, भंते जी ये पात्र तो भरा हुआ है, हाँ तो क्या करो, तो खाली पात्र लाइए। हाँ ठीक है, भंते जी अंदर जाते हैं फिर खाली पात्र लाते, देखते खाली है, चलो अभी इसमें डालता हूं करके जैसे ही हाथ उठाते हैं फिर से रुकना पड़ा। अब क्या हुआ रहेगा, देखते हैं पात्र तो खाली है पर पात्र बहुत ही गंदा था। अभी गंदे पात्र में वो शुद्ध अच्छा वाला वो छाछ डालेंगे तो क्या होगा, वो भी गंदा हो जाएगा, वो भी पीने लायक नहीं होगा। फिर कहते हैं, भंते जी ये पात्र तो बहुत ही गंदा है तो क्या करो। तो कहते वो उपासक कहते, भंते जी साफ पात्र लाइए ना, खाली पात्र साफ पात्र। ठीक है, भंते जी अंदर जाते फिर एकदम साफ वाला पात्र सामने रखते थे। अभी देखते खाली भी है, देखते साफ भी है, चलो अभी इसमें डालता हूं करके जैसे ही हाथ उठाया फिर से रुकना पड़ा। अब क्या हुआ रहेगा, देखते हैं पात्र में तो बहुत छेद है। अब छेद है तो उसमें डालेंगे तो क्या होगा, सारे के सारा गिर जाएगा। फिर वो उपासक को भी लगा, अरे एक ठीक से ढंग से एक पात्र भी नहीं लाया और मैं वो भंते का उपदेश सुनने के लिए आए, वो एकदम
तिल मिला गया, एकदम चिड़चिड़ा हो गया, एक ठीक से पात्र भी नहीं लाया। फिर पंत ने उसको देखा और देखने के बाद फिर आराम से बोलते हैं, उपासक तुम्हें धम्म देशना सुनना था ना, तुम्हारे लिए धम्म देशना यही है। यही है क्या है? तो वंदे जी विस्तार से समझाते हैं, जिस तरह परे हुए पात्र में कुछ भी नहीं रख सकता, हाँ रखा तो भी गिर जाएगा, उसी तरह आप लोगों के मन में भी पहले से ही भरा हुआ है, हाँ पूर्वाग्रह से भरा हुआ है। भंते जी आके जो बोलना है वो बोलते जाएगा, भंते जी का काम है प्रवचन देना, देके जाएगा, पर क्या करना है क्या नहीं करना है हमें पता है। ऐसा करके तम देशना सुनने के लिए आएंगे तो आप लोग ले पाएंगे क्या? हाँ कुछ भी ले पाएंगे नहीं, क्योंकि मलामाई तो आया ना, मुझे पता है ना क्या करना है क्या नहीं करना है। ऐसा करके एकदम अहंकार होके अभिमान के साथ बैठेंगे तो यहाँ कुछ भी सुन नहीं पाएंगे, कुछ भी ग्रहण नहीं कर पाएंगे। बस अपने बिहार में प्रोग्राम हो रहा है ना, चलो प्रोग्राम में बैठना है, प्रोग्राम में सहभागी देना है, बस उतना ही, कुछ भी नहीं ले पाएंगे। इसलिए ऐसा पूर्वाग्रह नहीं होना चाहिए, खाली पात्र चाहिए तो हम भी जो भी वहां बुद्धवाणी उपदेश होगा हम अच्छे से ग्रहण करेंगे, ऐसे तैयार होके आना पड़ेगा, खाली होके आना पड़ेगा, ताकि जो भी उपदेश दे आप लोग उसको ग्रहण कर पाएंगे। पहला फिर भंते जी समझाते हैं, जिस तरह पात्र खाली होने से भी अगर पात्र गंदा हुआ ना, उसमें कुछ भी डालेंगे तो वो भी गंदा हो जाएगा, उसी तरह आप लोग तम देशना सुनेंगे करके तो आया, पर यहाँ आते बरोबर आप लोगों के मन में अनेक क्लेश उत्पन्न हो रहा है, हो सकता है लोभ उत्पन्न हो रहा हो सकता है द्वेष उत्पन्न हो रहा हो सकता है अनेक अनेक अकुशल चेतना आ रहा हो, हाँ उसका इतना अच्छा है, उसका उतना अच्छा है, वो मुझे चाहिए, वो मेरा होना चाहिए, ऐसा लोभ लालच बढ़ाते रहेंगे, या उसने मुझे ऐसा किया था, उसने मुझे ऐसा बोला था, उसने मुझे ऐसा सोचा था, मैं भी उसको दिखाऊंगा मैं कौन हूँ, हाँ उसको तो छोड़ूंगा ही नहीं, ऐसा बदला लेने की भावना, ऐसे गुस्सा, ऐसे द्वेष भाव आता रहा और वही खिलता रहा। तो आप लोग तम देश ना सुन पाएंगे, सुना तो भी उसी में मिक्स होके वो भी गंदा हो जाएगा, वो भी दूषित हो जाएगा। इसलिए मन में क्लेश रहा, क्लेश रूपी मैल रहा, तो कितना भी अच्छा धम्म देशना आप लोगों को दो तो भी आप लोग ग्रहण नहीं कर पाएंगे। हाँ तो धम्म देशना सुनते समय ऐसा क्लेश नहीं जागना चाहिए, न राग न द्वेष न कोई अकुशल न पाप, कुछ भी नहीं जागना चाहिए, तब जाके शुद्ध रूप से वो धम्म देशना ले पाएंगे। समझ गए? हाँ। तीसरा, अगर पात्र खाली भी हो, अगर पात्र साफ भी हो, फिर भी उसमें छेद रहा तो जितना भी उसमें डालेंगे सारे के सारे गिर जाएंगे। उसी तरह आप लोग धम्म देशना सुनने के लिए भी आए, आप लोगों के मन में राग द्वेष मोह कुछ भी क्लेश नहीं मेल नहीं, हाँ धम्म देशना सुनने के लिए बैठे, मगर बैठे आप लोगों का मन ज्यादा ही चंचल हो गया, ज्यादा ही इधर उधर भागने लगा, मन एक जगह टिका ही नहीं, शांति नहीं, तो ऐसे समय में आप लोग धम्म देशना ग्रहण कर पाएंगे क्या, धम्म देशना सुन पाएंगे क्या? एक कान से सुनेंगे दूसरे कान से फेंकते जाएंगे, हाँ छेद हुए पात्र में कितना भी डालो नीचे से गिरता जाएगा। अगर आप लोग भी चंचल होके तम देशना सुनेंगे तो कुछ भी ग्रहण नहीं कर पाएंगे, कुछ भी समेट नहीं पाएंगे। इसलिए तम देशना सुनते समय चंचल नहीं होना, मन एकाग्र होना चाहिए, ध्यान पूर्वक सुनना चाहिए, तब जाके उसको सुन पाएंगे ग्रहण कर पाएंगे। तथागत बुद्ध कहते हैं, सुना था धारे था चरा था धम्म, ये धम्म ही ऐसा है, सबसे पहले उसको अच्छे से सुनो, सुनने के बाद उसको धारण करो, धारण करने के बाद उसको मनन करो,
जैसे सोने के काम करने वाले हर पीले धातु को सोना मानते हैं क्या? नहीं, उसको कसी में खोद के अनेक परीक्षण करने के बाद, संतुष्ट होने के बाद यह सोना है ऐसा मानेगा। वैसा ही धम्म देश नाम के नाम पे कुछ भी आप लोगों को सुनाए साधु साधु करके उसको ग्रहण करके पालन करना नहीं है। हम इंसान है, हम सर्वश्रेष्ठ प्राणी है, हम में चिंतन मनन करने की शक्ति है, विवेक बुद्धि है, प्रज्ञा है, अच्छे बुरे कुशल अकुशल उचित अनुचित योग्य अयोग्य पाप तम हम अच्छे से समझ सकते हैं और जितने भी अकुशल पाप है उससे दूर रह सकते हैं, जितने भी कुशल धम्म है उसमें आगे बढ़ सकते हैं। इसलिए वो विवेक बुद्धि वो प्रज्ञा से जो धम्म हमने सुना है जो धम्म हमने ग्रहण किया है उसको परीक्षण करना है कि ये धम्म ठीक है कि नहीं, ये धम्म मैं पालन करूंगा तो इससे मेरा कल्याण होगा कि नहीं, मेरे अपनों का कल्याण होगा कि नहीं, बहुत अच्छे से चिंतन मनन करना है। अगर ठीक है अगर अच्छा है तो उसे पालन करना, नहीं अभी तो मैं बहुत बिजी हूं, मैं बुढ़ापे में पालन करूंगा, मैं रिटायर लाइफ में पालन करूंगा, मैं बाद में पालन करूंगा करके बाद में नहीं बोलना। अच्छा है ना पालन करते जाओ, अगर अच्छा नहीं लगा कहीं से भी इससे कल्याण नहीं लगा समझ में नहीं आया उसको अलग रखो। जीवन दुर्लभ है, एक बार गया तो फिर से वापस नहीं आता। बहुत सारे लोग 10 का एग्जाम देते हैं, 10 क्लास का परीक्षा देते हैं, वो बहुत महत्वपूर्ण है, इसके बावजूद भी कोई कोई परीक्षा में फेल हो जाता है, इतना दुख, पर फेल हो गया तो हो गया, कौन सी बड़ी बात है, वो फिर से एग्जाम नहीं दे सकता क्या? फिर से अगले साल दे सकते हैं। कोई व्यक्ति यहां से कहीं मुंबई जा रहे हो या नागपुर जा रहे हो, दूर जा रहे हो, उसने बस टिकट भी लेके रखा है, फिर भी बस पर पहुंचते 5 मिनट लेट हो गया, बस निकल गया, दुख होगा कि नहीं? कितना दुख, अरे कितना काहे का दुख, वो अगले बस से नहीं जा सकते क्या? बस तो छोड़ ही दो, हमें अमेरिका जाना था, वीजा भी मिल गया, टिकट भी मिल गया, लाखों खर्चा भी हो गया और फ्लाइट के टाइम पे एयरपोर्ट पहुंचते आधा घंटा लेट हो गया, प्लेन निकल गया, कितना बड़ा दुख, वो भी बड़ा दुख नहीं है। फिर से वो दूसरी बार अमेरिका जा सकते हैं, विदेश जा सकते हैं, मगर यकीन मानिए एक बार हमारा जीवन गलत रास्ते पे खत्म हो गया तो गया, फिर से बुढ़ापे में आके अरे बाप रे मैं गलत रास्ते पे आके मेरा जीवन बर्बाद हो गया, मेरा जीवन खत्म हो गया, इतना दुर्लभ जीवन नाश हो गया, फिर से वो एक बार मेरा जवानी या मेरे समय वापस आते, अभी तो मैं अच्छे रास्ते पे जाऊंगा, ऐसा पछतावा करने से वो समय वापस आएगा क्या? लाखों करोड़ों अरबों खर्चा भी किया तो भी वो समय नहीं आएगा, आएगा क्या? नहीं आएगा। जस्ट इमेजिन कितना अच्छा होता ना अगर ऐसा हो जाता तो, जिंदगी भी फिल्म की तरह फास्ट फॉरवर्ड कर सकता तो, एक रास्ते पे चला जाते और बुढ़ापे में है इससे भी दुख मुक्त नहीं हुआ, करो रिवाइंड, फिर से हम जवानी में आते, फिर से दूसरे रास्ते में जाते बुढ़ापे तक, अरे इससे भी कोई मार्ग फल प्राप्त नहीं हुआ, आओ फिर से रिवाइंड करो, फिर से जवानी में, फिर इसमें जाते, फिर उसमें जाते, फिर उसमें जाते, एक एक रास्ते का हम अनेक तरह से अनुभव करते, मगर जिंदगी फास्ट फॉरवर्ड होता है क्या? जिंदगी ऐसे वापस आ सकता है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं आ सकता। इसलिए कोई भी रास्ते में चलने से पहले बहुत अच्छे से सोच समझ के चलना है, पछतावा करके ताप करके वो समय वापस नहीं आने वाला, इसलिए बहुत सोच समझ के आगे चलना है, तम्म कुशल कम्म में ही आगे बढ़ना है, इसी में हमारा सुख शांति है, ये बात बहुत अच्छी तरह से हमें समझना है। एक बार
महाकारुणिक तथागत बुद्ध बहुत सारे भिक्षुओं को जमा करते हुए एक जगह लेके जाते हैं, और एक जगह लेके जाके ऐसे थोड़ा सा नख में ढोल लेते हैं और भिक्षुओं को पूछते हैं, भिक्षुओं बताओ मेरे नख में ज्यादा धूल है या पृथ्वी में ज्यादा धूल है? धूल कहाँ ज्यादा है, कहाँ ज्यादा धूल है, बुद्ध के नख में या पृथ्वी में? पृथ्वी में। सारे भिक्षु लोग कहते भगवान आपके नख में तो क्या धूल है, सारा पृथ्वी तो धूल ही धूल से भर पड़ा है, आपके नख में तो बहुत ही कम, बहुत ही न्यून, बहुत ही गौण, बहुत ही थोड़ा ही धूल है। तब महाकारुणिक तथागत बुद्ध कहते हैं भिक्षु ऐसा ही है, इस दुनिया में अच्छे धम्म समझ के अच्छे धम्म में जाने वाले मेरे नख में जितना धूल है उतना ही है, बाकी तो गलत गलत धम्म में जाने वाले हैं। अच्छे धम्म में जाके अच्छे से अभ्यास करने वाला, अच्छे से पालन करने वाला मेरे नख में जितना धूल है उतना है। अच्छे धम्म मिलने के बाद भी पालन नहीं करने वाला पृथ्वी में जितना धूल है उतना है। अच्छे धम्म मिलने के बाद अच्छे धम्म को अभ्यास करके परिपूर्ण होने वाला, परिपूर्ण होने तक अच्छे से पालन करने वाला मेरे नख में जितना धूल है उतना ही है, बाकी तो पृथ्वी में जितना धूल है उतना ही है। अच्छे धम्म जान के अच्छे धम्म में अभ्यास करके मार्ग फल प्राप्त करने वाला या दुख मुक्त होने वाला मेरे नख में जितना धूल है उतना ही है, बाकी तो पृथ्वी में पड़े धूल समान है। हमें महाकारुणिक तथागत बुद्ध के नख के धूल जितना में आना है या पृथ्वी के धूल जितने में आना है, किस में आना है? नख में धूल जो है उसमें आना है। तो रास्ता आसान है, सबसे पहले हमें कहाँ जाना है वो तय हो गया तो बहुत आसान है। मुंबई जाना है इस तरफ जाओ, नागपुर जाना है इस तरफ जाओ, है ना। मुंबई जाना है वो नागपुर की तरफ जाएगा क्या, या नागपुर जाना है वो मुंबई की तरफ जाएगा क्या? तय हो गया ना नागपुर जाना है, चलो इस तरफ। तय हो गया ना मुंबई की तरफ जाना है, चलो इस तरफ। वैसे ही हमें भी तय होना चाहिए, स्पष्ट होना चाहिए हमें कौन से मार्ग पे जाना है। तथागत बुद्ध के नख में जो धूल है उसमें आना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? धम्म को अच्छे से जानना पड़ेगा। तथागत बुद्ध कहते हैं परियति धम्म, प्रतिपति धम्म, प्रतिवेद धम्म। सबसे पहले अच्छे धम्म को अच्छे से जानना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। दूसरा प्रतिपत्ति धम्म, जो अच्छे धम्म को जाना है समझा है उसे अच्छे से पालन करना पड़ेगा, परिपूर्ण रूप से पालन करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि गृहस्थ जीवन सुख शांति के लिए पंचशील पालन करना है तो हम पालन करेंगे, हम उपासक उपासिका है हम अच्छे से पालन करेंगे करके सबके सब पंचशील प्रार्थना कर रहा है, मगर प्रार्थना ही कर रहे पालन नहीं कर रहे तो उसका फायदा कुछ होगा क्या? जीवन में सुख शांति मिलेगा क्या? नहीं। परिपूर्ण रूप से पालन करना है, चाहे कोई भी मौका मिले, चाहे कैसे भी माहौल बने, आपको हिंसा नहीं करना, न मच्छर का, न चींटियों का, न चूहों का, न छोटे से छोटे प्राणी से लेके बड़े से बड़े प्राणी तक किसी का भी हिंसा नहीं करना। हम इतना पालन करते हैं क्या? पालन करते हैं क्या? अगर पालन नहीं करते तो हमने पंचशील का पहला शील भी पालन नहीं किया। तथागत बुद्ध कहते झूठ नहीं बोलना, असत्य नहीं बोलना, मजाक में भी झूठ नहीं बोलना। क्या हम मजाक नहीं करते क्या? क्या हम मजाक में झूठ बोलते हैं कि नहीं? बोलते हैं कि नहीं? शील बरोबर प्रार्थना कर रहे, उपासक उपासिका बन रहे, मगर वो शील को हमने परिपूर्ण रूप से पालन नहीं किया ना,
अच्छे से परिपूर्ण रूप से पालन करना पड़ेगा, तब जाके तथागत बुद्ध ने जो सुख शांति मिलेगा करके उपदेश दिया वो मिलेगा। अब पालन ही नहीं करेंगे या परिपूर्ण रूप से पालन नहीं करेंगे तो कुथे बेतनार, कहाँ मिलेगा। हमें यहाँ से जाना है मुंबई और जाते जाते नासिक ही घूम के आए, इतना दूर तो आ गया, अब बस चला हो गया करके वहीं से वापस आया तो मुंबई पहुंच गया क्या, कभी पहुंचेंगे क्या। इधर से नागपुर जाना था और नांदेड पहुंचते पहुंचते या यवतमाल पहुंचते पहुंचते बहुत दूर आ चुके, अब बस हो गया करके वहीं से वापस आया तो नागपुर पहुंचेंगे क्या, बिल्कुल नहीं। जब तक हम वहां नहीं पहुंचेंगे तब तक हमें चलना पड़ेगा, चलते रहना पड़ेगा, जब पहुंचेंगे परिपूर्ण होंगे तब पहुंचेंगे। वैसे ही धम्म को भी, अच्छे धम्म को भी अच्छे से पालन करना है, परिपूर्ण रूप से पालन करना है। जब हम अच्छे धम्म को अच्छी तरह से परिपूर्ण रूप से पालन करेंगे तब जाके प्रतिवेद धम्म अच्छा परिणाम भी मिलेगा। अच्छे धम्म को अच्छे से पालन किया तो देखते हैं जीवन में सुख मिल रहा है, जीवन में शांति मिल रहा है, जीवन में आनंद मिल रहा है, जीवन में खूब संतुष्ट है, शारीरिक मानसिक रूप से एकदम प्रफुल्लित है। और देखते ही देखते ये देखते हैं कि जीवन में दुख मुक्ति का मार्ग फल अनुभव हो रहा है, श्रोतापति फल पहुंच गया, सकटागामी फल पहुंच गया, अनागामी फल पहुंच गया, अनंत फल पहुंच गया, दुख मुक्त निर्वाण प्राप्त हो गया। जब हम अच्छे धम्म को सबसे पहले अच्छे से जानना है, समझना है, और अच्छे धम्म जानने के बाद उसको अच्छे से पालन भी करना है, और अच्छे धम्म को अच्छी तरह से जान के अच्छे से पालन करेंगे तो उसका अच्छा परिणाम भी आएगा, आना ही है। जब हम खाना खाएंगे, अरे मेरा पेट भर जाए पेट भर जाए, ऐसे काम ना करने की जरूरत है क्या, नहीं, खुद ब खुद पेट तो भरना ही है। वैसे ही जब हम अच्छे धम्म पालन करेंगे तो उसका अच्छा परिणाम भी आना ही है। इसलिए धम्म का ये तीन लेवल है, सबसे पहले जानना है, दूसरा पालन करना है, तीसरा उसका अच्छा परिणाम आएगा। पर हम अक्सर क्या करते हैं, धम्म को जानते भी है, अरे ये धम्म तो ऐसा है वैसा है, निर्वाण प्राप्त होता है, दुख मुक्त होता है, विमुक्ति सुख मिलता है, फिर वो अभी ये चाहिए, निर्वाण चाहिए, निर्वाण चाहिए, निर्वाण चाहिए, वो भी हम प्रार्थना करते हैं, मगर निर्वाण के लिए जो अभ्यास करना चाहिए वो अभ्यास नहीं करते, निर्वाण के लिए जो गुण धम्म पालन करना चाहिए वो पालन नहीं करते, पर बरोबर प्रार्थना करते रहते हैं, मला निर्वाण पाइजे हो, मुझे दुख मुक्ति चाहिए, मुझे निर्वाण चाहिए। निर्वाण के बारे में पता भी है और निर्वाण प्राप्त करना भी है, पर निर्वाण प्राप्ति के लिए हम आगे नहीं बढ़ रहे हैं। तो हमें निर्वाण मिलेगा क्या, बुद्ध आके तथास्तु करके वरदान देगा क्या, बाबा साहब आके अरे हमारे समाज के लोग है चलो निर्वाण पहुंचा देंगे करके कोई गाड़ी लेके भेजेगा क्या, गाड़ी से पहुंचेगा भी नहीं। इसलिए अगर हमें निर्वाण पहुंचना है, दुख मुक्त होना है, तथागत बुद्ध ने खूब अच्छे से मैत्री करुणा पूर्वक वो रास्ता बता के गया है, और वो रास्ते में चल के न केवल भगवान बुद्ध, हजारों लाखों भिक्षु भिक्षुनी उपासक उपासिकाओं ने ज्ञान प्राप्त किया है। हम चलेंगे तो हम भी ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, और ये तो हमारा बहुत बड़ा पुण्य है, बहुत बड़ा धम्म है कि बाबा साहब ने इतने अच्छे धम्म में हमें रखा है, ऐसे धम्म की दीक्षा दिया है, बस हमें तो जानना है, समझना है, पालन करना है। ऐसा सोचने की जरूरत भी नहीं है कहीं मैं गलत राह पे चल के, गलत धम्म में चल के मेरा बुढ़ापा आ गया तो मैं फिर से कैसे रिवाइंड करूं, फिर से कैसे मैं जवानी में आऊं, वो सोचने की जरूरत ही नहीं है। अच्छे धम्म में है, दुख मुक्ति के मार्ग में है, बस जानना है, समझना है, पालन करना है,
निरंतर हम दुख मुक्ति के नजदीक 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 पहुंचेंगे। समझ में आया क्या? तो इतना अच्छा धर्म मिला है, इतना दुर्लभ जीवन मिला है, सर्व प्राणी जगत में सर्वश्रेष्ठ ये मनुष्य जीवन मिला है, और उसमें भी दुर्लभ बुद्ध मिला है, तथागत बुद्ध के दुर्लभ धम्म मिला है, दुर्लभ मनुष्य जीवन मिला है, दुर्लभ सत्धर्म सुनने का मौका मिला है। तो ऐसे दुर्लभ जीवन में दुर्लभ बुद्ध के दुर्लभ धम्म को खूब अच्छे से जान सके, समझ सके, खूब अच्छे से पालन कर सके, अभ्यास कर सके, और परिपूर्ण होके सभी दुखों से मुक्त निर्वाण की तरफ निरंतर आगे बढ़ सके, ऐसी कामना करते हैं। फिर एक बार आप लोगों के जीवन में खूब खूब सुख हो, शांति हो, मंगल हो, कल्याण हो, ऐसी कामना करते हुए आज का ये धम्मदेशना यहीं समापन करते हैं। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, भवतु सब मंगलम। साधु 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 साधु। बुद्धं नमामि, बुद्ध को नमन करता हूँ। धम्मं नमामि, धम्म को नमन करता हूँ। संघं नमामि, संघ को नमन करता हूँ।